नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, फिर से लेकर आया हूँ मैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया था पहले, और मैं आपको वन लाइन का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट फिर से लेकर आया हूँ। देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने करवा दिया, नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। तो देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, उसमें भी मैंने काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एक दो क्वेश्चन तो उसमें से फंसे थे, इसमें से भी आने के बहुत संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीसा का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क को इस किस अयस्क से किया जाता है। सीसा का जो निष्कर्ष होता है निष्कर्षण होता है मुख्य से किस अयस्क से किया जाता है, तो ये किया जाता है गेलना से। नेक्स्ट देखते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, जो गुरु नानक देव है, गुरु नानक देव है वो सिख धर्म के संस्थापक है। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के बाद जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है, तो ये मैन बुकर पुरस्कार है। जो नोबल पुरस्कार के बाद दिया जाता है वो दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं, जो सामाजिक घटनाओं के कार्यकारण विशेषण हेतु आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित की, तो ये की थी मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अशोक ने। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ये है इंडोनेशिया है वो सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश है। नेक्स्ट देखते हैं कि सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पंजय नायडू का 1961 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ, तो ये किया था डोन के पंख कविता का प्रकाशित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करने वाले विवाह को क्या कहते हैं, तो ये इसे कहते हैं बहिर्विवाह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ, तो ये हुआ था 1809 से 1810 के बीच में, यानी 1809 से 1810 में संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। सबसे बड़ा चर्च कहाँ पे स्थित है, जो सबसे बड़ा चर्च है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये है गोवा में सबसे बड़ा चर्च स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1964 में तत्कालीन किस प्रधानमंत्री को केटल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के लिए आनंद आमंत्रित किया गया था, तो ये किया था श्री लाल बहादुर शास्त्री को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की। आज़ाद हिंद बोल सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज बोल सकते हैं, या आज़ाद हिंद सरकार बोल सकते हैं, तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की, तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये हुई थी 1920 ईस्वी में, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, ये कथन सत्य संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 48 ए से। नेक्स्ट देखते हैं, सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति है वो किस कवि की है, तो ये है तुलसीदास शर्मा दिनेश की। नेक्स्ट देखते हैं कि किस पाकिस्तानी प्रेक्षपात्र को अग्निसेकंड छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था। तो ये जला गौरी सेकंड था, जो गौरी सेकंड प्रेक्षपात्र था उसको अग्निसेकंड छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सेन झाऊ फोर किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है, तो ये है चीन के, ये दोनों चीन के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे।
ये अलाउद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बैंक का राष्ट्रीयकरण किस दिवस कब मनाया जाता है? बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 जुलाई को, 19 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मजहब नहीं सिखाया जाता, मजहब नहीं सीखता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो यह है मोहम्मद इकबाल की, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया? तो ये सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार चार वेद हैं, उनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो उनमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू की शुरुआत किस रूप में हुई? तो साप्ताहिक रूप में हुई थी हिंदू की शुरुआत। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू कथाओं के अनुसार दशानन के नाम से कौन जाना जाता था? तो रावण को दशानन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल, हवा में नमी बढ़ जाने पर ध्वनि की चाल है जो वो घट जाती है। देखिए, हवा में जब नमी बढ़ती है तो जो ध्वनि की चाल है वो घट जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास किसी वस्तु की इकाइयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता कैसे होती है? तो देखिए, वो घट जाती है, जो सीमांत उपयोगिता है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति में सबसे स्थल रंगपुर किस राज्य में है? सबसे संस्कृति में संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो ये रंगपुर है गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में स्थित है? स्वतंत्रता की प्रतिमा है वो किस शहर में स्थित है? तो ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में स्वतंत्रता की प्रतिमा स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्थानेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था पुष्यभूति राजा द्वारा, पुष्यभूति राजा द्वारा स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, जो शुक्र है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार राज दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 3 सेकंड का समय, 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट देखते हैं, सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य देश है? सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य देश है वो है 5, उनकी संख्या है 5। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है, देशों की संख्या 5 है। निश्चित शीशा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर आती है? तो ये आती है SO2 गैस है जो शीशा को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर गैस बाहर आती है। निश्चित सितंबर 2014 में किससे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुभाष चंद्र गर्ग को सितंबर 2014 में विश्व बैंक कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में भारत सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक परिवर्तन के चक्र सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? सामाजिक परिवर्तन के चक्र सिद्धांत के प्रवर्तक थे स्पेलेगर थे, जो सामाजिक परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट देखते हैं, सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? सांची स्तूप है वो किस शहर के निकट स्थित है? जो है भोपाल के निकट सांची स्तूप स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है वो है जेनोन है, वो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि उष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। सर्दियों में गहरे रंग वाले कपड़े पहनते हैं, उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्र मंथन से जो अश्रु निकलता था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था उच्चैःस्रवा था। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश ने 30 अक्टूबर 1961 को किया था? ये किया था रूस ने, सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया था रूस ने 30 अक्टूबर 1961 को। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय वो है नालंदा विश्वविद्यालय और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखते हैं, सप्ताह का अर्थ क्या होता है? सप्ताह का अर्थ होता है 7 दिन।
नेक्स्ट देखते हैं, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को, 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद दिवस। नेक्स्ट देखते हैं कि अच्छे लोग अच्छा बैंक किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विज्ञापन पंक्ति है अच्छे लोग अच्छा बैंक, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पंक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, ये कथन किसका है? भारत में अनेकता एकता और एकता में अनेकता, तो ये कथन है वी स्मिथ का, वी स्मिथ का है। नेक्स्ट देखते हैं, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान यानी CLRI कहाँ स्थित है? केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान तो ये है चेन्नई में। नेक्स्ट, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकीय अंग है, राइबोसोम है जो वो सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था, यानी जो सेकंड पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे मैंने। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और आप वीडियो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।